हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करते हो सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो हमारे साथ हमारे माइकल दादा आ चुके हैं दोबारा से आप सबके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा ही था, हम मार्टिन के पास गए थे और मार्टिन से हमने ये कहा भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने घर के लिए, और उसने सिक्योरिटी दे दिया जो कि मैं आपको दिखाई दूंगा। जिसने नहीं देखी बाकी कल की वीडियो में तो आपने देख ही ली होगी। अभी हम घर पर ही है और बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ हमें मार्टिन ने ये बता दिया जो कि अंडर वाटर माफिया वो चुका है शहर में, मतलब जो भी उसका टेम्परेरी बेस है जो कि मैंने आपको दिखाया था। आज हम वहीं पे जाने वाले हैं और आज हम फाइनली उसका काम करने ही वाले हैं। काफी परेशान करा था उसने जिमी को और हमें भी, तो कोई नहीं, आज इतना भी भैया मामला पानी है ना अपना सब खत्म करने वाले गाइस। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और गाइस ट्रेवर को मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि भैया उसके थोड़ा बहुत लग गया चोट वगैरह, वो गिर चुका है। तो फ्रैंकलिन और मैं ही जाएंगे अंडर वाटर माफिया के बेस में, और साथ ही साथ मैंने ट्रेवर को इतना बोल दिया कि देख कभी भी हमें देखो जरूरत पड़ी तो अपने जो इसका सैंडिस उसका रिपोर्ट है तू वहीं पे ही आसपास ही रही हो, अगर हमें तो जरूरत पड़ी तो हम तेरे को फोन कर देंगे, प्लेन वगैरह जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा, प्लेन वगैरह हेलीकॉप्टर में अगर हमें उसकी जरूरत पड़ी। वैसे तो पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे जिमी आप देख ही सकते हो, यह हरामी गेम खेले जा रहा है, पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है। भाई भाई भाई, भाई, भाई पहले जा रहा बंदे, ओ हरामी कुछ और भी कर लिया कर। अरे पिताजी खेलने दो ना यार, दिमाग खराब मत करो प्लीज यार, जाओ जल्दी जल्दी जाओ छेती जाओ यहाँ से। तेरा रिमोट का है, कैसे खेल रहा है तू, देख रहे हो गाइस? अरे रे चल तू खेल खेल। इनविजिबल है वो, इनविजिबल है, वाह रे वाह, बड़ा फुद्दू बच्चा है वैसे तो। गाइस तो सिक्योरिटी मैं दिखा देता हूँ गाइस अपने घर की आपको पहले, तो देख ही सकते हो गाइस घर पे एक गार्ड हमने रखा हुआ है, भैंस की दो दो पिस्टल का एक पीछे टांग रखी है। चलो बढ़िया बढ़िया, घर पे हमने एक ही रखा हुआ है कि हमें भाई इतनी घर के अंदर नहीं चाहिए, बाहर से सिक्योरिटी चाहिए, अंदर का तो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते हैं, गेट पे भी बंदे होंगे ही ना। ओके तो यहाँ पे भी ये खड़े हुए हैं गाइस आप देख ही सकते हो, और ये गाड़ियाँ मैंने मार्टिन से ली है, वो की देनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने परमानेंट ले लिया है। हालांकि एक बार सब कुछ सही भाई मामला पानी हो जाए तो अपनी खुद की हम गाड़ियाँ वगैरह लेने वाले हैं। अरे एक तो अबे यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, ये अभी अभी गाड़ी आई थी यार, ठीक हो गई मेरी पूरी, फिर तोड़ दिया मैंने। चलो देख सकते हो गार्ड यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, घर के बाहर भी हैं और वहाँ ऊपर भी चढ़े हुए हैं, मतलब पूरे घर की सिक्योरिटी इन्होंने अच्छी तरह कर रखी है। वो पीछे से भी मैं दिखा देता हूँ, अभी देखो तुमको पता यार इतने सारे गार्ड है तो इनका खाना वगैरह भी तो जरूरी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बंदे वगैरह रखे हुए हैं, देख दिखा देता हूँ मैं आपको। अबे बे 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 पंजी बड़ो उठ चलू मैं मस्त घर में, देखो ये रहा ये बनाता है यहाँ पे खाना खुना इनका, तो सही है यार सब मामला पानी चल रहा है अच्छे तरह, पूरे घर की सिक्योरिटी हो रही है। ओह ये कौन मोहतरमा है, पता नहीं ट्रेसी की सहेली होगी यार। तो गाइस अब हम चलते हैं पहले लेस्टर के पास क्योंकि लेस्टर ने मेरे को भैया बुलाया वगैरह है, तो ठीक है बातचीत करते हो। फ्रैंकलिन भी हमें वहीं पे ही मिल जाएगा जहाँ तक भैया कहा है उसने, नहीं मिला तो देखते गाइस क्या ही बात। बाहर की साइड भी गार्ड वगैरह आप देख ही सकते हो, ये देखो कितने वगैरह गार्ड, भैया पूरी सिक्योरिटी कर रखी है, ऐसी फुद्दूपंती नहीं करवा रखी है मार्टिन ने। चलो ये बात तो सही करा दी है ना, ये गार्ड वगैरह तो छोड़ो, मेन बात है आज हम करने वाले हैं अंडर वाटर माफिया की ऐसी तैसी, तो सारा काम बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलेगा। लेस्टर ने मुझे बुलाया और उसके बाद हमें जाना है गाइस वहाँ पे मार्टिन के घर पे। अब मार्टिन के घर से ही हम गाड़ी लेंगे जिसमें हमें जाना, और साथ ही साथ एमओ वगैरह गन्स वगैरह सब कुछ वही हमें देगा, इतनी बात हमारी पहले ही डील डन हो चुकी थी, तो इसीलिए हमें जाना है। लेस्टर को मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, वो हमें प्लान अच्छी तरह समझाएगा कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि वहाँ आपको पता ही यार उस अंडर वाटर माफिया के घर पे कितनी सिक्योरिटी है, घर पे तो नहीं मतलब उसके बेस पे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो इसी चीज़ से हमें बच के जाना पड़ेगा। तो यही दिक्कत है एक, अब देखते स्नाइपिंग वगैरह दूर से करेंगे, सप्रेसर वाली गन मिलेगी क्या होगा क्या नहीं वो तो उसी के ऊपर है ना, बाकी लेस्टर भाई बता सकता हमें क्या करने का क्या नहीं। तो फटाफट चलते गाइस उसी के पास, अरे भूतनी के आइला रे ले आया भाई, अब अपन को बस काम करने का है। ये हम पहुंच चुके गाइस सीधा लोकेशन पे जहाँ पे हमें पहुंचना था। ओके तो यहाँ पे हमारे लेस्टर भाई का घर ये रहा गाइस, ये देख सकते हो आप ये वाला घर है। अब अंदर जाके अंदर क्यों जाऊँ भाई, मैं बाहर से ही फोन करूंगा कि जल्दी आ जाओ, दोनों यहीं पे है पर जाएंगे किसमें हमें यही समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मैं इनसे अंदर बात करके आ चुका हूँ, इन्होंने कहा कि बस हमारे वो फ्रैंकलिन कॉफी वगैरह पी रहे, तो उन्होंने बोला हम इस गाड़ी में जाएंगे। यार क्या सीन है यार, ये गाड़ी पता नहीं किसकी है, फ्रैंकलिन लेके आए। हाँ ये भी बात है यार क्योंकि हम देखो, अरे चलना चल जल्दी 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 जल्दी। तो गाइस अब ये फ्रैंकलिन लेके आया, देखोगे गाड़ी भी कैसे लेके आया, ढंग की तो गाड़ी लेके आता, बस मार्टिन के घर तक जाना है इस गाड़ी में, बाकी तो वो दोनों आ ही रहे अभी फटाफट। ओ ये अबे आजा आजा चल, वो कहाँ है, तो वो भी आ चुका है, चलो ठीक है दोनों ही आ गए गाइस आप देख ही सकते हो, भूतनी के इतना टाइम लगता है क्या, बैठो जल्दी गाड़ी में बैठो। तो ठीक है, अरे शीशा क्यों तोड़ दिया मैंने, बैठो 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 आराम से। ओह फ्रैंकलिन तो आज पूरा ये कलर देखो गाइस मैचिंग मैचिंग पहन के आ रखा है, देख रहे हो, सही है रे, बैठ बैठ जल्दी बैठ हरामी। तो चलते हैं गाइस खच्चर सी गाड़ी में हम, क्या यार फ्रैंकलिन तो फुद्दू ही बंदा है गाइस ये फ्रैंकलिन, देखना क्या ही गाड़ी लेके आया है ये,
क्या ही बोलूं भाई, इसे इतना बड़ा शोरूम है खुद का और एक गाड़ी तो ढंग के ले आता यार। चलो कोई नहीं, अब अपना काम यह है मार्टिन से गाड़ी लेनी है, उससे गन्स वगैरह लेनी और लेस्टर और वो दोनों आराम से भाई बातचीत करेंगे पहले कि कैसे क्या कैसी है ना, क्योंकि आपको पता ही है मैंने बताया था मार्टिन उसके साथ पहले बिजनेस वगैरह करता था, अब उसने छोड़ दिया बिजनेस वगैरह, तो मार्टिन भी कुछ चाहता है ना कि कैसे हम क्या क्या सीन करें, और हमारे से लेस्टर कनेक्टेड तो रहेगा ही, लेस्टर ही बताएगा क्या करने का क्या नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर आएगा ना भिड़ू असली मज्जा। अरे हटा ले रे हटा ले, और हमारा जो मार्टिन है ना उसका घर यहीं पे ही है मार्टिन का। और अरे भूतनी के कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, ये देख लो भैया एक तो ये गाड़ी ऐसी खच्चर सी ले के आता ना बंदा, इसका लगी सी ना मार्टिन के घर का, तो आपको पता ही हमने क्या क्या कांड करा था जब जाके वो माना है कि हमारे साथ काम करने के लिए, नहीं तो वो कहा मार्टिन भी तुमको लगता है वो मानने वाला था, वो तो हमने उसके साथ कांडबाजी कर दी जो कि आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा ही हो जो कि सीरीज चलती आ रही है। और अब बस हम चलते हैं मार्टिन के घर पे और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मार्टिन के घर पे हम बस पहुंच ही चुके हैं। ओके चलो हट जा, कल हमने बहुत काम करवाया मार्टिन से, आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा, और ये गाड़ी की क्या ही हालत करके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये भी सोचेगा भाई क्या ही फुद्दू बंदा है यार। चलो कोई नहीं, हम इसी से ही गाड़ी लेंगे गाइस कि हमें कौन सी गाड़ी में जाना है, और ये हमें एमओ वगैरह भी निकाल के देगा और इससे बातचीत करते हैं अंदर चल के। आ जाओ भाई वो नमूनो जल्दी, अरे लेस्टर भैया आओ ना हाँ ना, और इसका देख रहे हो लुक देख रहे हो पूरा लड़का, ऑरेंज कलर के जूते, ऑरेंज कलर की ये पैंट सी, ऑरेंज कलर की हुडी, कती स्टाइलिश बन रहा है। चलो भाई सुअर क्यों पालता है मार्टिन, मुझे तो यही पता नहीं चलता। ये देखो गाइस सुअर पाले हुए हैं इसने, और सुअर एक सुअर मार दूंगा इसका, डर तो नहीं ना मेरे से ये सुअर। हाँ सुअर, ओ सुअर तेरी ऐसी ऐसी साल है, बस सुअर पाल के पता नहीं क्या ही करता है, मेरे को लगता है इसका मीट बनवाता होगा। अबे गाइस हमने इनका सुअर क्या मार दिया, मेरे को मारने लग गया, अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे को तो बचा लो। अबे यार कितने नमूने दोस्त है यार, मैं क्यों ही लेके आया हूँ फ्रैंकलिन, तू वहाँ क्या करेगा जब यहीं पे नहीं बचा रहा मुझे। अबे भूतनी का मैं पेलूंगा बहुत, फ्रैंकलिन देख ले समझा ले इसे, ये तो सुअर गलती से मारा था मैंने, ये देखो तेरी ऐसी ऐसी। और फ्रैंकलिन क्या है तेरे, मार क्यों नहीं रहा इसे है ये बता मुझे, तेरी ऐसी ऐसी बचा मुझे, बचा फ्रैंकलिन तेरी ऐसी ऐसी। यार ये फुद्दू ही बंदा है, चलो छोड़ो हम ही मार देते, तेरी ऐसी ऐसी चल, तेरी भूतनी के मेरे से पंगा ले, तू आ जाता तू बीच, हाँ बीच, सॉरी लेस्टर, अरे सॉरी लेस्टर भैया, सॉरी। अबे यार क्या ही यार, मतलब सुअर को मैं तो ऐसे किडिंग के लिए मार के आया था, तो सीरियस ही हो गया मामला पानी इनका, देख रहे हो। अरे भाई मत लिया और पंगे, और यहाँ इसके सुअर भी डोलने लग गए देख रहे हो, इधर उधर। चलो छोड़ो गाइज हम बातचीत करते हैं अंदर जाके मार्टिन से। तो गाइज हमारी मार्टिन से बात हो चुकी है, सब कुछ करवा दिया इसने, हमें गाड़ी दे दी, हमें गन्स वगैरह दे दिया, और अभी हमारा लेस्टर भाई यहाँ पे पता नहीं क्या हैकिंग वगैरह का काम वगैरह चल रहा है, चलो छोड़ो वो भी, और मार्टिन यहीं पे बैठा है, और फ्रैंकलिन बाहर है और उसके भी गन वगैरह दे दिया, तो चलते हैं गाइज बाहर पे। और साथ ही साथ मुझे इसने ये बोला कि तू अपने वगैरह भी कपड़े वगैरह चेंज कर ले, क्योंकि इस कपड़े में मैं नहीं जाने वाला, आर्मर वगैरह हमारे फ्रैंकलिन ने तो पहन ही लिया है, तो देख ही सकते हो गाइस। ओ फ्रैंकलिन गन दिखा दे यार अपनी, तो देख सकते हो फ्रैंकलिन के पास भी गन है, और साथ ही साथ डिग्गी भी दिखा देता हूं मैं गाड़ी की, ये देखो गाइस देख रहे हो यहाँ पे भी गन्स वगैरह और एमओ वगैरह सब कुछ भरा है, तो पहले तो मैं यही गाड़ी लेके जाने वाले गाइस, हम इसको डिग्गी बंद कर देते हैं, तो ठीक है इसकी डिग्गी हो चुकी है बंद, आ जा भाई जल्दी बैठ। तो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, सीधा कपड़े चेंज करके गाइस हम लोकेशन पीछे बैठेगा वहाँ, तो सीधा कपड़े चेंज करने के बाद हम सीधा जाने वाले अंडर वाटर माफिया के बेस में, तो मजा आने वाला है ना आज, उसका टेम्परेरी बेस टेम्परेरी ही बना के छोड़ देंगे, पूरा फोड़ के आऊंगा, क्या सोच रहे थे फुद्दू। आपने देखा ही वहाँ कितनी ज्यादा गाड़ियां वगैरह रखी हुई है उसने, प्लेन्स वगैरह रखे हुए, सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा आज मैं, मार्टिन भी यही चाहता है, तो सही है अपना भी काम हो रहा है। मार्टिन ने कह दिया कि हम मेरे कुछ बंदे वहीं पर सपोर्ट के लिए तेरे खड़े रहेंगे, अगर तू बोलेगा कि हाँ भैया जरूरत है तेरे को जब ही वो आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले हैं, ये बात हो चुकी है। और लेस्टर हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा, लेस्टर ये कोशिश करेगा कि वहाँ के कैमरे हैक हो जाए, और वो उसी के लिए ही बैठा हुआ है। तो फटाफट गाइस कपड़े वगैरह चेंज करते हैं हम और फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है गाइज आप देख ही सकते हो दोनों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और ये पता नहीं किससे लड़के आया है, तो चलते हैं गाइज गाड़ी में और फटाफट अब जाना हमें अंडर वाटर माफिया के बेस में जो कि यहाँ से काफी ज्यादा करीब है। तो सब कुछ हो ही चुका है, बस थोड़ा सा काम, घर पे ही आके कपड़े चेंज करे, मैंने तो सोचा पहले दुकान से कर लेते हैं, पर नहीं फिर हमने सोचा यार दुकान वगैरह से अच्छा घर पे कपड़े पड़े हुए तो वहीं से ले लेते हैं। दुकान में अगर किसी को शक वगैरह होगा कि ऐसे कपड़े क्यों ले रहा है, फिर तुम्हें पता ही है क्या ही सीन हुआ क्या नहीं, तो ये कपड़े हमारे पास थे क्योंकि पहले भी तुम्हें पता है हमने ऐसे कांडबाजी बहुत कर रखी है, तो कपड़े हमने रखे हुए थे, अब बस निकलना है गाइस हमें। तो सब लोकेशन वगैरह पूरी डन है, हमें स्नाइपर में जो हमें स्नाइपर दिया गाइस उसमें सप्रेसर भी है मेरी वाली में,
ओके तो सब कुछ अब बिल्कुल प्यार से करना, लेस्टर हमारे साथ कनेक्टेड ही है, अब बिल्कुल कोई डरने वाला सीन है नहीं। वैसे वैसे डरना चाहिए भी नहीं, पर यहाँ पे क्या कांडबाजी हो रही है, इसका भी यही काम है यार। इसकी भी पता नहीं, इसकी लुआई इसको ना जाने नहीं देती, पता नहीं कहाँ टेनिस वगैरह खेलने के लिए बाहर रोता रहता है वहाँ से। चलो छोड़ो, हमें क्या है उसका सीन, हमें फटाफट अपना आज ये काम करना। और वहाँ पे सिक्योरिटी आपको पता है गाइस कितनी ज़्यादा होती है, पता नहीं यार क्या ही चुल मची हमारी इतनी सिक्योरिटी, हम कैसे मारेंगे, क्या सीन होगा, वो तो वहीं जाके ही पता चलने वाला है। और इस हरामी को और मैं ले आया हूँ साथ में, इसके बाद ज़्यादा दौरे वगैरह ना पड़ जाए, बस यही सीन है। इसके दौरे पड़ते ही ना कांडबाजी ऐसी बहुत गंदी हो जाएगी गाइस। तो गाइस हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर ने यही कहा कि देख चारों तरफ बिल्कुल जो भी ये पूरा एरिया है ना गाइस, इसके चारों तरफ मार्टिन के बंदे भी खड़े हो चुके हैं, पर वो भाग तो कहीं नहीं जा पाएगा। पर सीन ये है, अब ये लेस्टर और मार्टिन ये चाहते हैं कि उन्हें वो अंडरवाटर माफिया जिंदा चाहिए। मैंने तो सोचा था यहीं ऐसे ऐसी करा दूंगा और जिमी से कराऊंगा, पर जिमी से मैं नहीं करा रहा। और यहाँ पे हिरन आप देख सकते हो, कितने ज़्यादा हिरन वगैरह है। अब देखो उसने पूरा ये ट्रैक वगैरह करके हमें इतना बता दिया कि देख सिक्योरिटी इतनी है, तू अंदर जाएगा तो वहाँ तेरे को स्कैन करेंगे, और स्कैन में हमारी गन तो तुम्हें पता ही है, स्कैन में गन वगैरह उन्हें पता चल जाएगी कि हमारे पास गन्स है, फिर वहीं लफड़ा हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से जाना है, उन्होंने कहा जितना प्यार से कर लोगे ना उतना सही रहेगा। तो हमें पूरा घूम के देख ही सकते हो गाइस कहाँ से जाना पड़ रहा है। रोड को हटा के हम पहाड़ों के ऊपर से गाड़ी ले जा रहे हैं, ताकि हम ऊपर से पहले स्नाइपिंग करके बॉडीगार्ड को मार पाए। बंदे तो अलर्ट हो जाएंगे अब यहाँ पे और भी बंदे होते हैं, ताकि भाई किसी और को ना बेफालतू में मार जाए और किसी को गोली वगैरह ना लग जाए, हम ये चाहते हैं। तो ठीक है, वो भी अलर्ट हो जाएंगे, वो भी यहाँ से छोड़ के अपना भागते रहेंगे। अब अंडरवाटर माफिया तो कहीं जाने से रहा भाई, वो अंदर से कहीं बाहर निकल नहीं सकता, और इतना मुझे पता है वो एमओ वगैरह मतलब अपना कट्टे वगैरह लेके तो रहेगा ही रहेगा कमरे में। और सिक्योरिटी इसकी इतनी ज़्यादा है जो कि इसकी हद नहीं है। और आप देखिए तो पूरा एरिया नीचे ही है, मैं आपको एक बार वहाँ से दिखाता हूँ, छा से आप पूरा इलाका दिख सकता है। तो यहीं से चलते हैं हम बिल्कुल प्यार से। अंडरवाटर माफिया तू तो गई, अरे बाबा तेरे को क्या ही बताऊँ मैं, इसकी पूरा एरिया डिस्ट्रॉय करना है हमें। तो ठीक है, ये इलाका सही है, दिखाता हूँ गाइस मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे नीचे नीचे ले जाके। यहाँ सिक्योरिटी आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा बंदे, अरे ब्रेक लग जा, नहीं 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 ब्रेक लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा। तो ठीक है, उतर गया हूँ गाइस मैं, आ जा रे, कहाँ है और तू कहाँ है वे फ्रैंकलिन, कहाँ है यार वे भूतनी का, यही 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 है गाइस, फ्रैंकलिन यही है। तो मैं अब आपको एरिया दिखा देता हूँ ये दे। तो गाइज अब आप ये देख सकते हो, स्नाइपर मैंने निकाल लिया जिसमें सप्रेसर भी लगा हुआ है, स्कोप वगैरह भी लगा हुआ है। तो मैं आपको पूरा एरिया दिखाई देता हूँ, ये देखो आप देख सकते हो। अबे भूतनी का ये अलर्ट कैसे हो गए, अबे यार अलर्ट हो गए यार गाइज, इनको पता कैसे चल गया भाई इनका, मेरे को लगता है गाइज इनको इन्होंने पता चल गया कि जैसे मैं गन से आपको दिखा रहा था, कोई नहीं हमारे पास सप्रेसर लगा हुआ है, अंदर के बंदे तो अलर्ट होने नहीं वाले। अबे ओ तू क्यों, अरे यार इसकी गोली में सप्रेसर नहीं है इसकी बंदूक में यार, तू जल्द रुक जा। तो कोई नहीं गाइज अंदर तो जाना ही पड़ेगा, चल चल। ओह हो कौन कौन मार रहा, कौन मार रहा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अंदर चल अंदर चल, जितनी जल्दी अंदर चल जाएंगे उतना हमारे लिए सेफ रहेगा गाइज। और अंदर अरे भूतनी का मुँह गिर गया, अरे मुँह के बल कौन गिरता है यार ऐसी टाइम, रुक जा। अरे रे 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 कहा है तू, आ रहा है बिल्कुल चोर में, क्यों आ रहा है, डर नहीं लगता तेरे को। और ये एरिया टूट कैसे गया पता नहीं गाइस, क्या ही सीन है। मैं तो सोचा पहले अंदर जाके नीचे जाके पहले नीचे का एरिया तबाह कर दूं, क्योंकि आपको पता ही है नीचे से हम उस दिन गए थे मार्टिन को लेके, और नीचे ही उसने अपनी गाड़ियां वगैरह रखी हुई है, तो वो पहले मैं तबाह करना चाहता हूँ। जल्दी खुल, तो यहाँ पे देख लूँ गार्ड्स वगैरह ना हो, आ जा आ रहा है ना, तो वो ऊपर का एरिया देख ही रहा है फ्रैंकलिन। चलो कोई बात नहीं है, नीचे देखो गाइस, मैंने कहा था ना नीचे इसकी गाड़ियां वगैरह होगी, तो पहले तो मुझे ये डिस्ट्रॉय करनी है। तो मार्टिन का कहना ये है कि मैं ये चाहता हूँ बस उसकी गाड़ियां सारी डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसने एक स्पेशल गन हमें दी हुई है गाइस। ओके ये देख सकते हो सारी गन गाड़ी हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। चलो चलो चलो, तो फाइनली मोस्टली सारा काम तो हो ही चुका है। ये मटर वाली बंदूक है जो कि बम फोड़ देती है भाई, आप देख सकते हो, ये देखो खुद जा। ठीक है, यहाँ की जितना भी मामला पानी करना था कर दिया हमने, और ऊपर वो फ्रैंकलिन देख ही रहा है, तो हमें फटाफट नीचे की साइड भी जाना है और नीचे का एरिया भी डिस्ट्रॉय करने का है, जो कि ये वाला एरिया है। और सेंटा क्लॉज को नहीं छोड़ा, उसकी गाड़ी भी उड़ा के ले आया गए। अबे यार क्या ही फुद्दू बंदा है, तो कोई नहीं सब इसका उड़ा देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात, रुक जाओ यहाँ बंदे अरे अरे कौन मार रहा है। अबे अबे भाई यहाँ सिक्योरिटी वाला है गाइस, कोई ना कोई तो है यहाँ पे, कोई ना कोई तो है भाई यहाँ पे, क्योंकि हमें वहीं से ना कहीं से तो लगी है। अबे को कहाँ से मार रहा है बे खरबूजे, अबे भाई 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 कहाँ से लग रही है गाइस, पता नहीं कहीं से तो कोई बंदा मार रहा है भाई हमें तो, और फ्रैंकलिन को कुछ ना हुआ हो भाई यहाँ से तो मेरे को लग रहे हैं। तो यहाँ ओह ये कौन है यहाँ बंदे, अरे अरे ये बंदे ऊपर से कूद रहे गाइस तैर तैर के भाई, यहाँ पानी ना आ जाए अंदर, आप देख सकते हो पूरा शीशे वाला इलाका है। ये रुक जाओ मैं मटर की गोलियाँ ही फेंक देता हूँ वहाँ, चलो कोई नहीं, ये मैंने प्लेन वगैरह भी उड़ा दूँ। अच्छा मार ले भाई, आर्मर वगैरह पहन के आया हूँ, ये रहा गाइस वो बंदा तो दिख गया मुझे जो गोलियाँ चला रहा था।
ये मतलब भूतनी के सप्रेसर वाली गन यू ही नहीं लेके आया मैं, तो ये वाला एरिया भी इनका फोड़ दिया हमने। और वो बंदा खड़ा कैसे हो गया? ओ भाई मतलब कांच देख लो गाइस कितने टाइट है, पानी अंदर तक नहीं आ रहा है। ताकि मैंने देखो कितने मैंने ये फोड़ भी दिए यहाँ, कितने बम वगैरह फोड़ दिए मैंने। अरे ले तेरा लग्जरी प्लेन भी फोड़ूंगा मैं, मटर वाली गोली से। अब कहाँ से मार रहा है? तो ये वाला गार्ड भी हमने उड़ा दिया है, तो ठीक है सब चीज़ें हमने मोस्टली उड़ाई दी इसकी। ये देखो ये मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, ओके तो ये यहाँ पे भी ग्रेनेड फाड़ दिया। अरे भैया हमसे पंगा ना लेना, ये इसकी आर्मर्ड वाली व्हीकल है क्या? इसकी भी ऐसी कर दी हमने, चलो सही है। फाइनली गाइस अब ऊपर चलते हैं, अब ऊपर जाके देखते हैं कैसे क्या क्या सीन होने वाला है। फ्रैंकलिन को कुछ हुआ ना हो, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन को वैसे ही बोलता कि बाहर ही रही हो भाई। ओके तो सीधा मैं इस वाले गेट से अंदर चले जाऊँगा। और ये देख रहे हो हालत यह कर दिया मैंने इसका, यहाँ की दीवारें वगैरह तोड़ दी है। फ्रैंकलिन गोली चला रहा है मेरे को लगता बाहर की, तो ठीक है अपन चलते हैं गाइस ऊपर। और ये मैंने सप्रेसर वाली गन ले ही रखी है तुम्हारी भूतनी के। ओहो सिक्योरिटी गार्ड कितना सप्रेसर वाली गन से किसी को पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ। ओके ओके पर पहले मुझे फ्रैंकलिन को देखना गाइस, इसलिए मेरे को पहले बाहर की साइड ही जाना पड़ेगा ऊपर की साइड। चलो 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 तुम्हारी ऐसी आ जा। फ्रैंकलिन कहाँ है भाई? फ्रैंकलिन को देखना पड़ेगा। आ जाओ तुम्हारी ऐसी ना कर दूँ मैं, चला खोपड़ा उड़ा दूँ तुम्हारा, फालतू सलमान खान बन रहे हो। फ्रैंकलिन तू कहाँ है भूतनी का? आ जा। फ्रैंकलिन को देखना पड़ेगा गाइस, फ्रैंकलिन नहीं दिख रहा हमें, पानी में ना खोद गया भूतनी का। फ्रैंकलिन अरे कौन कहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है भाई? फ्रैंकलिन कहाँ गया गाइस? आपको पता ही है फ्रैंकलिन को मैं लेके आया था, पर ये गया तो गया क्या कभी अंदर हो? चलो ठीक है कोई नहीं, पहले हमें उसको देखना है फ्रैंकलिन अभी भैया जिंदा है इतना, नहीं तो भैया कनेक्टेड करके मुझे लेस्टर बता ही देता कि कुछ ना कुछ लफड़ा हो रखा है। तो ठीक है यहाँ कोई बंदे तो नहीं है ना? वाह रुक जा, पहले मुझे उसको देखना अंडरवाटर माफिया को, जिसके लिए मैं मेन आया हूँ। ठीक है यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ओहो अंडरवाटर माफिया किधर है रेले तू? तुम्हें चलो बाहर चलो भाई बाहर चलो। तो यहाँ से अभी भी चल रहे हो भैया, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? भागो यहाँ से। अरे कौन मार रहा है पीछे से भूतनी का? कौन सा तू तेको शर्म नहीं है? वहाँ खड़ा है हरामी कहीं का, उनसे मैं ये भी फोड़ देता हूँ ताकि इससे तो ना भाग पाए वो। मेरा स्टिकी बॉम्ब का है, स्टिकी बॉम्ब भी लेके आया था मैं अपने साथ। अरे स्टिकी बॉम्ब किधर है रे बाबा? तो ठीक है मैंने बोला था ना स्टिकी बॉम्ब भी लाया हूँ, ये मैंने यहाँ भी लगा दिया, ये भी फोड़ दूँगा मैं, सब चीज़ें फोड़ दूँगा इनकी। पहले यहाँ से मैं तो भाग लूँ, नहीं तो मेरी ऐसी जरूर होने वाली है। चलो। ओके तो ये भी गया, यहाँ अंदर तो कोई है नहीं ना, तो अंदर तो कोई दिख नहीं रहा, पर जिसको जिसके लिए हम मेन आए वो बंदा भी तो नहीं दिख रहा। जो यहीं से फेंक देता हूँ ये, फूटेगा? अबे यार गलत जगह चले गया। कोई नहीं गाइस नीचे जाके उसको भी फोड़ते हैं, दूसरे वाले प्लेन को, प्लेन तो नहीं हेलीकॉप्टर को। ओहो यहाँ भी आग लगी चुकी है। अब रास्ता कहाँ है यहाँ से? मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से नीचे की साइड से रास्ता है वो वाला। तो यहीं से खुद जाता हूँ। ओ भाई देख रहे हो गाइस, ये देखो मेन चीज़ ये है, मैंने कहा था ना सब कुछ अंडर वाटर है। देखो ये चीज़ें मैंने फोड़ दी है, अब यहाँ से मुझे फटाफट वो देखना, उस हेलीकॉप्टर से तो वो नहीं जा सकता इतना तो मैंने बोल दिया। अब फ्रैंकलिन का उसे भी देखना पड़ेगा, और यहाँ से उसने अंडर वाटर रास्ता बना रखा है यहाँ से, देखो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये जिससे मैंने सारी गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिया है। और ये बीच मेन वाले ऑफिस में जा कर देखना पड़ेगा कि किधर है वो, किधर नहीं, यहाँ से क्या है। अरे ये कहाँ चाहिए, क्या सीन है, मुझे देखना पड़ेगा ये सीन क्या है। अरे बाबा चलो कोई नहीं, यहाँ से भाई फटाफट निकलते हैं बाहर। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था ना इसके दो हेलीकॉप्टर हैं यहाँ पे, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, तो ये दूसरे वाला भी मैंने फोड़ ही दिया है। लो भाई अब जाएगा कहाँ से, अब पूरा एरिया हमारे ओहो ये रहा फ्रैंकलिन आप देख ही सकते हो। तो अब मेन वाला ऑफिस ही रह चुका जो कि बीच में है गाइस, वहाँ पे ही हो सकता, नहीं तो वो कहीं नहीं हो सकता। तो वहाँ पे चलते हैं फटाफट, और फिर देखते हैं तो है कहाँ वो हरामी, और उसको मारना तो मारना है, या वो रेस्ट कर लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके मोस्टली बंदे तो हमने मार ही दिए। अरे ज़्यादा स्टंट के चक्कर में ऐसी ऐसी हो जाती है। फ्रैंकलिन जल्दी आवे क्या ही कर रहा है खरबूजे, रुक जाओ इनका मैं ये वाले एरिया में भी बॉम लगा दूँ। ये इतनी कि कहाँ जाओगे, ये लो इसकी सिक्योरिटी वाले को भी ऐसी ऐसी हो चुकी है, आधे बंदे तो भाग गए भाई, इनके बस की कुछ नहीं है। देख रहे हो इनका बेस टेम्परेरी बेस। अरे क्या गाड़ी मेरे ऊपर आके कैसे पड़ गई, ये वाली गाड़ी मेरे मुंह पे आके गिरी, चलो उससे तो मैं बच गया। इसके अब इलाका तो हमने पूरा फोड़ ही दिया, आप देख ही सकते हो, ये देखो पूरा एरिया खत्म है भाई इसका, हमसे पंगा ले रहा था ना इसने, अगर जिमी को छेड़ा नहीं होता ना हम कुछ नहीं करने वाले थे हमने, जैसे कि आपको पहले भी बताया था। पर नहीं इसके तो चुल मची थी पंगे लेने की, अब तो इसके बंदे कहीं दिख नहीं रहे। और फ्रैंकलिन कहाँ है भाई, दोबारा गुम हो जाता है एक बंदा। तो ठीक है गाइस अंदर हम इसके एरिया में चलते हैं। यार ये तो मैं पार्किंग वाले एरिया आ गया जो कि हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। चलो बे अबे यार एक तो इनके गेट भी ऐसे है ना, पता नहीं चलता कौन से वाले में घुसने का कौन से में नहीं। तो ठीक है ये रहा इनका ऑफिस वाला एरिया, अच्छा यहीं खड़े हैं गार्ड्स वगैरह इसके मोस्टली। तो ठीक है यहाँ पे सभी बंद गार्ड्स को हम पहले भी आया था यहाँ पे उड़ा दिया था।
ओके वर्कर वगैरह भी है, इनको मैं कुछ नहीं करने वाला इन, क्योंकि इनके साथ हमारा पंगा ही नहीं है, तो इनको भैया बेफालतू में मारने का मैं चाहता नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, ऊपर की साइड भी सिक्योरिटी होती है, उस दिन हमने देखी थी उनको, वैसे तो मैंने लपेटा था, अभी नीचे आकर देख सकते हो ये दीवारें कैसे तोड़ दी हमने, इसका टेम्परेरी बेस मैंने कहा था ना टेम्परेरी बना दूंगा, पर कहीं से तो लग रही है कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो ठीक है, अब ये हमें पूरे बेस के अंदर तो मिला नहीं, बस एक ही कमरा रह जाता है जो कि कल हमने देखा था, जो कि यहाँ से देखो ये इसका ऑफिस है और यहाँ से है वो कमरा। ओके रुको मैं स्टन गन निकाल लेता हूँ, अगर ऊपर ही होना, क्योंकि हमें तो वो बेहोश करके ले जाना है ना गाइस। एक मिनट, स्टन गन कहाँ है अपनी, तो ये रही स्टन गन, और यहाँ पे देखो मैंने बंदे मार ही दिए, लॉन्चर भी उठा लेता हूँ इनका, रुक जाओ। ओहो कैश देख रहे हो कितना ज़्यादा कैश पड़ा है, तो फ्रैंकलिन बाहर ही है, एक मिनट ये जाता, क्योंकि एरिया तो यहीं से ही है ना, यहीं कहीं हो सकता है अगर वो तेरी भूतनी के, देख ही सकते हो गाइस वो, देखो 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 बेसबॉल बैट लेके अभी भी खड़ा हुआ था, देख रहे हो बेसबॉल बैट यहीं पड़ा है, तो यहीं पे बेहोश तो कर दिया मैंने, स्टन गन इसलिए मारी ताकि ये बेहोश हो जाए। देख रहे हो पैसा कितना मैं अपना पहले झोली में रख रहा हूँ, देख ही रहे हो मेरा पैसा ऐड हो जा रहा है, ये देखो गाइस मेरा जितना भी मेरा बैग है ना उसमें पैसा ऐड हो जा रहा है। अब पैसा तो फ्रैंकलिन उठा लेगा, मैं इसको उठाता हूँ पहले, तो भूतनी के रुक आ जा क्या कर रहा है भाई, देखो नीचे पड़ा हुआ भाई, क्या रे हमारे बेटे को मारेगा, चल ना अब क्या हो गया तेरे को, तो उठाते हैं गाइस इसको लेके चलते हैं। अरे दिख रहा, हमने तो पहले ही बोला था हमसे पंगा ना लेना, पर तुम्हारे चुल थी ना, देख रहे हो गाइस अभी देखो वहाँ बेसबॉल बैट लेके खड़ा था, क्योंकि इसे तो पता था अभी कुछ नहीं कर सकता, देखो गन्स वगैरह भी पड़ी है। चलो ठीक है कोई नहीं, आ जा अब इसको लेके चलता हूँ गाइस, तेरी ऐसी हमसे पंगा ले रहा था ना तू, अच्छा लेगा तो अब इसको गाड़ी की डिग्गी में फेंकूंगा मैं, चल आ जा नीचे चल हमारे साथ भूतनी के, चल तेरी ऐसी पंगा ले रहा था हमसे, पंगा ले रहा था, इसको बाहर लेके चलते हैं हम और फिर आपसे मिल। तो गाइस इसे बाहर तक तो मैं लेके आ चुका, आप देख ही सकते हो भूतनी के, आ जा, हाँ चोड़म हो रहा था ना, इसको दोबारा से बेहोश करता हूँ, फिर उठ रहा है, शर्म शुरम किसी चीज़ की है तेरे को, नहीं है, देख रहे हो गाइस कैसे उठा के पकड़ेगा अभी से माइकल। तो मैंने कहा था यार जिमी के साथ बत नहीं लेता ना पंगे, तो आराम से रहता। तो ये रही हमारी गाड़ी, इसके अंदर हमें लेके जाना है, इसको फेंक दो पहले गाड़ी के पास और फिर चलते हैं। तो देख ही सकते हो गाइस जिसको मैंने रख दिया है अंदर, अब एक बार डिग्गी बंद करते हैं और यहाँ से निकलने का टाइम आ ही चुका है। चलो यहीं पड़ा रही हो बेटा, सोता रहा, तेरा स्लीपिंग टाइम यहीं का ही है। अरे डिग्गी बंद क्यों नहीं हुई, अरे डिग्गी बंद क्यों नहीं हो रही, चलो होगी होगी, अरे होगी होगी माइकल क्यों कर रेला है। तो ठीक है निकलते हैं गाइज यहाँ से, अब बेटा चुल करी ना, तुझे अंदर ही पड़ा हुआ है गाइज, जो फ्रैंकलिन ऊपर ही खड़ा है, फ्रैंकलिन के पास चलते हैं और इसको डिग्गी में तो डाल ही दिया आपने, देख ही लिया भाई, ज़्यादा चोड़म होता था ना ऐसे ही होगा इसके साथ। अब तो यहाँ से निकलते हैं पहले ये एरिया, अरे रुक जा एक मिनट, यहाँ पे बॉम्ब लगाना भूल गया ना मैं, रुक जाओ यहाँ का एरिया भी ख़त्म करूँ मैं पहले, यहाँ का एरिया कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक बॉम, यहाँ पे दूसरा बॉम, ओ हो दो ही गाड़ियाँ ना, चलो ठीक है। अब इसकी बोट वगैरह का कांड तो फ्रैंकलिन अपने आप ही कर देगा, फिर बाद में आपको ये पूरा इलाका दिखाऊंगा एक बार, पहले मैं थोड़ा आगे चले जाऊँ, फ्रैंकलिन मेरे को मिलेगा फिर ही, और ये वाला एरिया भी फोड़ दूँ, चल भूत नहीं गई है, देखो यहाँ पे भी गिर गया, अबे फ्रैंकलिन आ जा भाई, अब कितना टाइम बे ऐसे थोड़ी चलेगा, अरे रे 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 इस साइड से रास्ता, अबे फ्रैंकलिन नीचे की साइड ही था, उसने यार मेरे को कही थी कहाँ रह गया। चलो कोई नहीं गाइस, पहले ऊपर की साइड ले लेता हूँ, और फ्रैंकलिन को मैंने बताया दिया कि आगे कट पे ही मिलूंगा तेरे को, जाइए देखो इनका पूरा ये एरिया है ना, यहाँ से मैं साइड से ले लेता हूँ। ओके अरे चल तो अब यहाँ पे वेट करते हैं गाइस फ्रैंकलिन का, फ्रैंकलिन के आती हम सीधा इसको लेके जाएंगे मार्टिन के घर पे, और फिर देखो इसके साथ क्या ही कांडबाजी होएगी। तो गाइस हमारा फ्रैंकलिन भाई भी आ चुका, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो, देखो इसके पीछे, अरे रुक जाना दिखाने तो दे, क्या कह रहा, नहीं दिखाने दूंगा। तो इसने बैग टांग लिया जिसमें पैसा भी लेके आ चुका है, जब भी इसे इतना टाइम लगा, और वो पूरा इसका एरिया हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये इसको तो आप जानते ही हो जिसको मैं उठा के लाया हूँ। अब देखो कैसे आराम से लेटा पड़ा है गाड़ी के अंदर, तो मैंने इसे दिखाने के लिए डिग्गी खोली थी, एक बार डिग्गी करते हैं बंद, तो ठीक है आ जा जल्दी बैठ फ्रैंकलिन। और गाइज मैंने मार्टिन और लेस्टर को बता दिया है कि हमने सब काम अच्छी तरह कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एमओ वगैरह, हाँ गन्स वगैरह हमारी ज़्यादा लगी जितनी भी उसने दी थी, पर छोड़ो यार पैसा आ रहा है अपन के पास, और इसके एरिया तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जो मार्टिन भी चाहता था, और अब तो ये बच्चों की तरह अंदर लेटा पड़ा है। मैं आपको दिखा दूँ, अगर दिखेगा तो, नहीं दिखेगा तो है नहीं, पर आपको दिखाऊँ कैसे, अरे कोई नहीं, वो देखो आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा गाइज पीछे की साइड वो लेटा पड़ा है भाई, मतलब कह के ले ली भाई बंदे की हमने, ऐसा पीटा है ना इसे भैया मैंने, इसको ज़्यादा ही बेसबॉल बैट आपने देखा ही होगा, बेसबॉल बैट लेके खड़ा हुआ था, और वही बैट अब फ्रैंकलिन के पास भी। अब फ्रैंकलिन ने बोल दिया बेटा ज़्यादा उछलेगा ना वही तेरे भेल पे मारूंगा, और जिमी तक को मैंने कह दिया जिमी तेरे उस पकड़ लिया मैंने जिसने तेरे को मारा था, अरे ओ क्या फुद्दू है, क्या चलाने चलाने नहीं आती मोहतरमा, कट ले रही है, दिख नहीं रही इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है,
क्या यार फुद्दू ही बंदे हैं यार, इनको चलाने चलो उन्हें आती नहीं है। तो मार्टिन भी खुश, अभी देखते हैं गाइस वहां जाके मैंने उनको बोल दिया कि भाई तुम बाहर निकल जाओ, जो साइड में तुम्हारी जगह खाली है ना वहीं इसका थोड़ा कारनामा दिखा देता है तुम्हें। अब पेलने वाले हैं गाइस हम भी इसे, तो फ्रैंकलिन भी पेलेगा मैं भी पेलूंगा, अब आएगा ना भिड़ू असली मज्जा। अभी तो वहां तो कुछ भी नहीं मारा मैंने, हल्का फुल्का उठा के पटका ही है इसे मैंने, कुछ और नहीं करा। और दो तीन बेसबॉल बैट इसने भी मारे फ्रैंकलिन ने बाहर निकाल के, कह रहा आजा बेटा मुझसे तो ले जा प्रसादा। फ्रैंकलिन ने ऐसे कहा और फिर दिए हैं भाई इसके, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्रैंकलिन के साथ क्या ही सीन हुआ था भाई। फ्रैंकलिन और लेस्टर और ट्रेवर को पकड़ के ले गए थे इनके माफिया वाले, पर छोड़ो। और साथ ही साथ ये भी भैंस कर रहा है, इसके बस की कुछ नहीं रहा, इसके इसी के बेस में गए हम और वहीं पे सबको पेला, इसकी सारी गाड़ियां, इसके सारे प्लेन, मतलब पूरा रद्दी कर दिया भैया सब मामला। इसके पास पड़ा ही क्या, कुछ नहीं बचाएगा इसके पास। अरे क्या हुआ रे बालक, तो कुछ तो बचा नहीं है, अंदर गाड़ी में पड़ा हुआ है, वहां जाके दिखाता हूँ गाइस आपको। बस पहुंच ही चुके हैं मार्टिन के एरिया में ही। अरे मार्टिन मतलब काम का बंदा निकला ही, उसने हमें पूरी भैया बता दिया कैसे क्या क्या करना था। और लेस्टर को मैंने बता दिया कि कहाँ का कैमरे लगे हैं, उसने ट्रैक करके वो मैं बताता गया, देखो यहाँ बंदे हैं यहाँ बंदे हैं, और कह के हमने इन सब की ले लिए। ये अब तो इसी चीज़ का तो मजा आया गाइस हमें। और हम पहुँच चुके हैं मार्टिन के घर के पास, अब अंदर चलते हैं और थोड़ा कथकली वगैरह इससे भी कराते हैं। अंदर लेटा पड़ा वो देखो पीछे की साइड डिग्गी में फेंक रखा हमने इसे, सही है। और फ्रैंकलिन तो कुछ ज़्यादा खुंदा से बच रही थी, फ्रैंकलिन कह रहा यही मारता हूँ इसे, अगर वो बोलते नहीं ना इसे जिंदा लाना तो मैं वहीं मार देता गाइस इसे, पर नहीं इन्होंने कह दिया भाई जिंदा लेके आई है तो ठीक है, देख लेते क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ओह अब जितना मार्टिन का नुकसान इसने करा था ना वो नुकसान तो भाई भर गया होगा पूरा। ओके अरे ये तो वहीं खड़े हैं तो, पर मार्टिन नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा मार्टिन भी यही रहा गाइस देख सकते हो, भाई इतना हंस क्यों रहे हैं, ओ भाई इनको पता चल गया, देख रहे गाइस कितना हंस रहे हैं। चला जा फ्रैंकलिन आ जा बाहर। अरे 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 बिग माफिया पे अंडर वाटर माफिया पे हंस रहे हैं गाइस। लो भाई अच्छी तरह हंसना है तो अब हंसो ना, अब देखो एक बार शक्ल देखो इसकी। अरे भाई देख रहे हो गाइस जिन्हें देख रहे हो, ये देख रहे हो, ओ भाई साहब। अरे लेस्टर तू तो कुछ ज्यादा उछल रहा है भाई, क्या बात है। अरे फ्रैंकलिन क्या करने का है, तो गाइस निकालते हैं इसे बाहर की साइड और कर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। वहाँ जाके माफ़ी वगैरह देख रहे हो कैसे कर रखा, और इसने भी बेसबॉल बैट पकड़ लिया और मैंने भी पकड़ लिया, मेरे को तो लेना भाई जिमी का बदला है हरामी। अरे 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 है भूतनी के जिमी को मारेगा, वीडियो में आपने देखा ही होगा कैसे मारा था इसने पीछे से आके। है बे इसके बस के कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता भाई ये, कहाँ का है अंडर वाटर माफिया कौन कहता है, ये तो रजिया गुंडों में फंस गई अब तो। अरे फ्रैंकलिन मारेगा क्या, ले मार ले यार मार ले, तू भी मार ले कोई दिक्कत नहीं है, देख ले फालतू में चोट में होता हूँ तेरे, मार ले भाई मजाक नहीं। तो गाइस मैंने उसे डंडा लेने के लिए अंदर भेजा था और वो डंडा लेके आ गया, कह रहा भाई मैं ऐसा थोड़ी है। अरे फ्रैंकलिन मार उसे, लड़ो भाई लड़ो, देख लो गाइस दोनों लड़ रहे हैं, अब ये दोनों को डंडे दे दिया हम तो बिल्कुल चोड़ में, मतलब अंडर वाटर मार। ओह मेरे दोस्त को पेलेगा साले भूतनी का, जल्दी उठ फ्रैंकलिन। ओ फ्रैंकलिन ठिल गया भूतनी का, ये सही में भैंस की ताकतवर है क्या, ज्यादा रुक जा भूतनी ले तेरे मैं फोड़ू। अरे सॉरी लेस्टर भैया, अरे रे तेरी भूतनी के हैं मेरे दोस्त को पेलेगा क्या, उठ उठ उठ। अरे लेस्टर यार इधर आ, ओ भाई फ्रैंकलिन ठिल गया भाई साहब, अरे मैं इसको क्यों मार, अरे क्या कर दिया भाई मैंने, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, रुक जाओ भाई रुक जाओ, स्टन गन लेके ना पहले इसी का काम कर देता हूँ मैं, रुक जाओ ये ले भूतनी के तेरे चक्कर में लेस्टर की ओर मार दिया मैंने, चल तेरी ऐसी हैं जिमी के मारता है और हमारे फ्रैंकलिन को भी मार दिया भाई, मैं तो सोचा फ्रैंकलिन कुछ तो करेगा, फ्रैंकलिन भी साला कमजोरी आ गया फ्रैंकलिन के बस की नहीं है कुछ भाई, चल हैं लठ दिया तेरे को भी मार लेना मेरे, मारा क्यों नहीं जा रहा क्या हो गया, उठ ना एप्स तो बहुत बना रखे हैं बॉडी बिल्डर, रुक जा इसके असली मजे तो मैं लेता हूँ गाइस, आजा आ तेरे को फेंकू कहाँ फेंकू तेरे को कहाँ फेंकू तेरे को कहाँ फेंकू, ये ले सॉरी बोलेगा सॉरी मेरे बेटे से, सॉरी मांगने के लिए रेडी हो तो तेरे को छोड़ दूंगा मैं, हैं क्या कहता है भूतनी का, देख तेरे तेरा हुत्तड़ लाल नहीं करे ना तेरे, रुक जा तेरे हुत्तड़ लाल करूँ, ये देख रहे हो गाइस बजा रहा हूँ मैं बड़े बड़ी जोर से, और बंदा बड़ा ढीठ है अभी भी उठता नहीं, अरे निकल गए इसके भी पेड़े निकल ही, ये ले हैं तेरी ऐसी कहाँ है मेरी स्टन गन, कहाँ है ये नहीं मेरी स्टन गन, मेरे मेरे बेटे को मारेगा के, ये ले तो कहाँ का अंडर वाटर माफिया, देख रो गाइस मार मार के इसको लाल कर दिया मैंने, ओहो पेड़ भी निकल गया इसके अंदर से, अरे रे 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 तेरी ऐसी, ये ले ना तू ज़्यादा चोट में होता है ना, ये ले भूतनी के हैं बोलेगा फालतू ना बोल ले नहीं बो, मैं तेरे को छोड़ने ही नहीं वाला, रुक जा इसकी ऐसी कैसे नहीं, उठ 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 हरामी
जिमी को मारेगा, नशे तो देखो कैसे निकल रही है, पता नहीं भाई मेरे को तो लगता है इंजेक्शन खा खा के बॉडी बना रखी है। तो भाई फ्रैंकलिन वगैरह को होश में लेके आते हैं गाइस, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस जो हमारा अंडर वाटर माफिया उसको हम अंदर ले चुके हैं, फ्रैंकलिन भी ठीक है और लेस्टर भी ठीक है, अब दोनों को होश आ चुका है, ऐसा नहीं था कुछ हो गया था उन्हें। हाँ बस लग गया था भाई मेरा डंडा जोर से लग गया था, और एक को तो आपने देखे होगा अंडर वाटर माफिया ने अभी फ्रैंकलिन को, मैंने सोचा मजाक में युद्ध करा देते हैं और दिया भाई, चलो अब होश में आ चुका है। अभी देख सकते हो फ्रैंक कितने चोट में कह रहे हो उसे, आ जा आ जा, आपको अब सोचोगे किसे कह रहा है, तो ये देखो ना अंदर कौन लेटा पड़ा है। अरे देख रहे हो गाइस बेचारा अंडर वाटर माफिया को हमने यहाँ बंद कर दिया है, अब आप सोचोगे यहाँ से निकल जाएगा इसका, कोई नहीं निकल सकता ये इस एरिया में, अभी हमने टेम्परेरी रखा हुआ है, अभी निकाल के एक गाड़ी मंगवा रहे हैं गाइस हम, और इसको यहाँ से कर देंगे टाटा बाबा कहीं और ही, जो कि मार्टिन ने बोली है यार जगह वहाँ पे। अभी मार्टिन फोटो वगैरह क्यों खींच रहा मुझे ये नहीं पता, और ये फ्रैंकलिन तो कितनी चोड़ में कह रहा आ जाना है ब्लड, देख लो गाइस क्या ही सीन हो रखा है। अरे भाई क्या ही सीन है, पर यहाँ से अंदर जाने का रास्ता कहाँ से हो मार्टिन, हट जा भूतनी के तेरे भी दूंगा एक ही डंडा, ओ यहाँ से जाऊँगा मैं तो। हाँ भाई क्या जी मैं, चलो छोड़ो गाइस बहुत मार दिया, बहुत ही मार दिया इस बंदे के, कुछ ज्यादा ही हमने मार दिया। तो ठीक है गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, तो होप करता आपको वीडियो में मजा आएगा, मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फाइनली गाइस अंडरवाटर माफिया का हमने सारा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिमी का बदला ले लिया है और जो मार्टिन का थोड़ा बहुत बदला था वो भी ले लिया। अब देखते हैं इन्होंने जिंदा रखने के लिए क्यों कहा लेस्टर और मार्टिन ने, देखते हो ये फोटो वगैरह फिर उसकी खींच रहा है। तो मिलते हैं गाइस जब से एक अगली ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली।